अब हम कोरोना की टेस्टिंग के लिए खासकर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के जानकारी के लिए पहुंच चुके हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, जो महत्वपूर्ण विभाग है। आपके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी इनके पास है। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दफ्तर है, जो सरकारी दफ्तर ही है, और इसी तल्ले पर हम पहुँचे हैं और यहाँ चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रियलिटी टेस्ट में क्या नज़र आता है। मुकम्मल तरीके से मास्क के इंतजाम आते हैं या नहीं, सैनिटाइजर के इंतज़ाम कैसे हैं। हम स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ हम लोगों से जानेंगे। आप इस विभाग में आप हैं? सर, यहाँ सैनिटाइजर कहाँ पर है? सर बगल में है। बाहर में लोग नहीं? बाहर में तो सर आगे में है, आगे में है सर। यहाँ स्वास्थ्य विभाग का मेन जिम्मेदारी वाली जगह है। जी जी सर, यहाँ जितने आते हैं ना, तो यहाँ आप आगे बढ़ते तो वहाँ पर लगा हुआ है सर। विभाग की तरफ से जी सर, बाहर में कोई इस्तेमाल नहीं? बाहर में है सर, वहाँ पर है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो है, अंदर में। बड़ी जिम्मेदारी आपकी है जी, होनी तो चाहिए। डर लगता है कोरोना से? कोरोना से सभी को डर है सर। न हम तो बाहर से आए हैं, है ना, यहाँ बहुत बड़ी है। एकदम मस्ट होना चाहिए, है ना। जब विभाग जो सबके रक्षक है और वही असुरक्षित है, तो बाकी लोगों को क्या स्थिति रहेगा? अभी कोरोना का डर भी सता रहा है बहुत लोगों की, आज भी कई लोगों की मौत? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा है परेशानी, माने बहुत ज़्यादा है भय, भय तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ जो ना कोई इस पर माने ऑफिशियल टाइप के नहीं है, ऑफिस की तरफ से कोई इस पर एक्शन नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी है, लोग को मतलब होना भी जरूरी था, और यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। इस तरफ देखिए, पूरा मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो बड़ी जिम्मेदारी है। और आप इस विभाग में? जी हाँ, विभाग में जी हाँ। यहाँ पर सैनिटाइजर क्यों नहीं लगाया गया, आपकी जानकारी है? तो पहले तो लगा था, जो अभी तो पता नहीं है सर, साहब बताएंगे, पी एस साहब। कोरोना का डर है? डर तो काफ़ी है सर जी हाँ, लेकिन होना चाहिए था ना? या होना तो चाहिए था सर, बीच बीच में इससे होता है, जांच भी हम लोगों का हुआ है दो दिन पहले। हाँ, देखो लोग आते हैं अपने अपने काम के लिए, मान लीजिए मंत्री से मिलना हुआ, मान लीजिए प्रधान सचिव से मिलना हुआ, तो ऐसे में डर है, खतरा बढ़ सकता है? खतरा तो बढ़ने का डर है ही है सर जी। अभी तो व्यवस्था सैनिटाइजर हालांकि हर एक जगह लगा हुआ है, यहाँ बगल में है सर, अंदर बाहर में, अंदर तो लोग जाएंगे तब, बाहर में क्यों नहीं है? बाहर में है सर, आगे है। अब इस तरफ की बात कर रहे हैं? इस तरफ तो अंदर में एक ही ठो है, इधर में नहीं है, जिससे वहाँ जो भी आते हैं वहाँ पर सैनिटाइजर करके ही अंदर जाते हैं। चाहे ठीक है, देखिए बड़ी लापरवाही इसको आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, विभाग मतलब लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई सैनिटाइजर का इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं है। जाएंगे हम लोग मीटिंग, दिखवा लेता हूँ। कोरोना काल में सैनिटाइजर और मास्क को लेकर हम रियलिटी टेस्ट करने के लिए निकले हैं। बिहार की राजधानी पटना के सरिया भवन पहुंच चुके हैं, महत्वपूर्ण विभाग में पहुंचे हैं, पथ निर्माण विभाग के दफ्तर में। यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए, दफ्तर में आना जाना बहुत सारे जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत अहम ये दफ्तर है पथ निर्माण विभाग का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सैनिटाइजर का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, हैंड सैनिटाइजर यहाँ बाहर के लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा है यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर का, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है। विभाग को चाहिए कि इंतज़ाम इसके लिए करना चाहिए। और हम यहाँ बात करते हैं, पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है कि बाहर में क्या लोगों के इंतजाम है? वो हम नहीं बता सकते हैं सर, पदाधिकारी बताएंगे। अरे यहाँ का स्टाफ है, उसको हम वहाँ लगा हुआ था सैनिटाइजर, हमारे पास मशीन लग गया। अच्छा। बड़ा वाला था वो हटा दिया गया वो। हाँ, और आप एक मिनट बता दीजिए, आप जैसे कि यहाँ पर हम बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड लगा है, लेकिन वहाँ सैनिटाइजर है नहीं, इसलिए कि जब मशीन लग गया तो यहाँ से हट गया, मशीन उसी के लिए लगा है। हाँ अंदर है, तो बाहर के लोग आएंगे तो बाहर के लोग जाएंगे, अंदर ना जाएंगे सर, तो अंदर तो लग ही गया है, फिर ऊपर भी लगा हुआ है दो दो गो। देखिए हम दिखाते हैं, इधर आपको ये भी दिखाते हैं, अंदर इस साइड बता रहे हैं कि लगा हुआ है, वहाँ पे सैनिटाइजर उस साइड में लगा है,
लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सैनिटाइजर जो है कि लगाया गया है, यहीं से दिखा देते हैं आपको कि सैनिटाइजर वो लगा है वहाँ पे। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो अंदर में लोगों के लिए, मतलब ख़ास लोगों के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, ये कह सकते हैं कि जो आम लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, आम लोगों की परेशानी आएगी, अगर आम लोग जो आएंगे उनके लिए क्या इंतज़ाम किए जाएंगे, उनको क्या सुरक्षित कर पाएंगे राज्य सरकार, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अहम विभाग की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग भी मंगल पांडे को मिली हुई है और वो स्वास्थ्य विभाग में है, ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ आफ्ताब आलम, सनमार्ग लाइव 7।